Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. 16 साल पहले मेरठ को झकझोर कर रख देने वाले तेरह हत्याकांड में मेरठ कोर्ट ने अपना आज फैसला सुना दिया। कोर्ट ने मुख्य अभियुक्त हाजी इजलाल समेत उसके 9 साथियों को इस हत्याकांड के लिए जिम्मेदार मानते हुए दोषी करार दे दिया है। इन अभियुक्तों को क्या सजा दी जाएगी, यह 5 अगस्त को घोषित किया जाएगा। दरअसल 16 साल पहले 23 मई 2008 को बालेनी नदी के किनारे कार से 3 युवकों के छत विच्छेद शव बरामद किए गए थे। इन तीनों को बदमाश लोगों के आ जाने के कारण कार समेत छोड़कर भाग गए थे। बाद में तीनों की शिनाख्त सुनील ढाका निवासी जागृति विहार मेरठ, पुनीत गिरी निवासी परीक्षितगढ़ रोड मेरठ और सुधीर उज्जवल निवासी गांव सिरसली बागपत के रूप में हुई थी। कोर्ट द्वारा इस पर फैसला बुधवार को दिया जाना था, लेकिन एसएसपी ने कांवड़ यात्रा के मद्देनजर फोर्स की व्यस्तता के चलते एक दिन स्थित करने का कोर्ट से आग्रह किया था। इस पर आज ये फैसला सुनाया गया। इस बारे में वरिष्ठ अधिवक्ता व अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश मित्तल ने यह जानकारी दी। डीजीओ भी चला, डी साहब भी बैठ, सर्वे भी बैठ। मैं भी हूँ, सर्वे मुख्य रूप से देख रहे थे हमारे प्रभारी। नहीं मुझे कुछ, मैं तो एडी से कोर्ट में ही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे मैं मुकेश मित्तल, अपर जिला शासकर्ता फौजदारी मेरठ। आज ये मुकदमा आप सब जानते हैं, इसको पहले से तीरा हत्याकांड जो गुदड़ी बाजार में हुआ था थाना कोतवाली का, इसमें आज सभी जो 14 लोगों के खिलाफ चार्जशीट आई थी, जिसमें 2 लोगों की डेथ हो गई थी, एक जुनाइल होकर पहले बरी हो चुका था और एक की फाइल अभी विचाराधीन है। बाकी लोगों को सभी को इसमें दोष सिद्ध कर दिया गया है और सजा पे सुनने के लिए 5 तारीख निर्धारित की। क्या सजा का प्रावधान है इसमें? जो 302 का प्रावधान है, इसमें सजाए मौत तक का प्राविधान है, आजीवन कारावास से सजाए मौत तक हो सकती है। बाकी न्यायालय जो 5 तारीख को सजा सुनाएगा, बहस होगी सजा की, सजा पे बहस की जाएगी, जो होगा उसके अनुसार कोर्ट जो निर्णय देगी उसके आधार 5 तारीख को इसको पहुंचा। इसमें 37 गवाह पेश हुए हैं, पूरे इसमें 3 युवकों का इसमें हत्या की गई थी, जैसा आप सब लोग जानते हैं बहुत चर्चित मामला था मेरठ का। कौन सी धारा में? 109-302, 109-302 में सीबा को भी दोषित किया गया। और बाकी जो आरोपी, बाकी में कुछ 302 सब पे है। मुख्य आरोपी इजलाल। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में भी कोई इन्होंने रिट? मुझे उसकी जानकारी नहीं है, इन्होंने एप्लीकेशन दी थी वो रिजेक्ट हो गई। अब देखिए कोर्ट में क्या हुआ पेशी के दौरान और उनको जेल ले जाते हुए। प्लीज जगह दे दीजिए, प्लीज
भैया मैं एक बात कहना चाहता हूँ मीडिया वालों से, हम बिल्कुल इनोसेंट है। चलो पीछे आप लोग, पीछे आप लोग क्या कह रहे थे बताइए, क्या कह रहे थे आप, क्या कहना चाहते हो आप, कुछ कहना चाहते हो, क्या कहना चाह रहे थे बताओ, अंदर नहीं अंदर नहीं अंदर नहीं, चलो क्लोज करो क्लोज करो क्लोज करो, अंदर नहीं बाहर भाई। अब तो हट जाओ, सब भी छोड़ो, भाई यहीं से बन जाएगी यार। उनको सबको सर्कल कराइए एक बार में, अनमोल यहाँ पे क्लोज करा लो, क्लोज करा लो भैया, थोड़ा पीछे हो रास्ता तो चलो निकलो 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 इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।